हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। अगर आप नेटवर्किंग पढ़ते हैं और ईमेल की बात कर लेते हैं तो ईमेल से कुछ सवाल हमेशा पूछ लिए जाते हैं। अगर आप एग्जाम्स वगैरह में भी जाते हैं तो वहां पर ईमेल से एक सवाल जरूर पूछा जाता है। तो चलिए ये ईमेल के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो ईमेल की खोज किसने की थी, तो सन 1971 में रे टॉमलिंसन नाम के एक कंप्यूटर साइंटिस्ट थे जिन्होंने ईमेल की खोज की थी, ठीक है। और ईमेल की खोज करने के बाद पहला जो ईमेल का प्रोटोकॉल था वो था एसएमटीपी, जिसे हम सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल के नाम से जानते हैं। और ये जो था इससे केवल हम टेक्सचुअल मैसेज भेज सकते थे। टेक्सचुअल मैसेज भेजने का मतलब ये था कि लिखा हुआ ब्लैक एंड व्हाइट में आप मैसेज भेज सकते थे, ठीक है। तो ये पहला प्रोटोकॉल था जिसे ईमेल का प्रोटोकॉल कहते हैं। दूसरा प्रोटोकॉल था POP3। अब ये कई जगह POP भी दिया रहता है तो आप इससे परेशान ना होइए। POP का मतलब होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल एक ऑफलाइन प्रोटोकॉल होता है, जैसे कि अगर आपको मैंने ईमेल भेजा और उस कंडीशन में आप ऑनलाइन नहीं रहे, तो जब ऑनलाइन नहीं होंगे तो उस कंडीशन में मैसेज वो जाएगा कहाँ, वो ईमेल कहाँ जाएगा, तो वो सर्वर पे बना रहता है ऊपर जो है। जब आप ऑनलाइन होते हैं तब काम चालू होता है अगले प्रोटोकॉल का, यानी कि POP इज सपोज टू बी अ ऑफलाइन प्रोटोकॉल, ठीक है। ऑफलाइन प्रोटोकॉल होता है POP। इसके बाद बात करते हैं वर्जन की, तो यहाँ पे 3 दे दिया जाता है, तो 3 का मतलब और कुछ नहीं, वर्जन 3 है, ठीक है। POP तो प्रोटोकॉल का नाम POP ही है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल ही है, लेकिन वर्जन जो है वो 3 है। इसके बाद बात कर लेते हैं IMAP प्रोटोकॉल की, तो IMAP का मतलब होता है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। तो जैसे ही आप ऑनलाइन होंगे, अब मान लीजिए मैंने ईमेल किया, आप ऑफलाइन है उस वक्त, तो उसको सर्वर पर बनाए रखेगा, और बनाए रखेगा तो मतलब वो जाएगा कहाँ, तो वहां पर ऑफलाइन जब तक आप रहेंगे तब तक वो कहीं जाएगा नहीं, आपका ईमेल डिलीट नहीं होगा, वो कहीं जाएगा नहीं। तो ये POP का काम होता है, ऑफलाइन POP का काम होता है, ठीक है। जैसे ही आप ऑनलाइन होते हैं तो आपको ईमेल प्रोवाइड हो जाता है, आपके जो ईमेल आईडी है वहां पर पहुंच जाता है। तो ईमेल आईडी पर कब पहुंचता है, जब IMAP का काम चालू होता है। इससे पहले POP का काम था, IMAP का काम तब शुरू होता है जब आप ऑनलाइन हो जाते हैं। जैसे ही आप ऑनलाइन होते हैं तो आप ईमेल को डाउनलोड करते हैं, वहां पर जो है IMAP का काम चालू हो जाता है, और जैसे ही आप डाउनलोड करके ऑफलाइन होते हैं तो वहां पर फिर POP जो है बना रहता है, ठीक है। और MIME क्या है और SMIME क्या है, तो MIME यानी कि अगर आपको कुछ ग्राफिक्स भेजना है, कुछ कलरफुल पिक्चर्स वगैरह भेजने हैं, तो इस कंडीशन में आप MIME का प्रयोग करते हैं। ये सबसे लास्ट में आया और इसका पूरा नाम होता है मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, ठीक है। और SMIME क्या है, तो सिक्योरली अगर आप भेजते हैं तो सिक्योर्ड मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन जो है ये होता है SMIME। तो आई होप कि ये ईमेल के प्रोटोकॉल के बारे में आपको डिटेल पता चल गई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।